जो जंगल का हाथी है यहाँ पर, जो जंगली हाथी है वो यहाँ पर आया था। अभी कमल दोबारा पिएगा, पी के दिखाओ कमल, बहुत ही मजा आता है ऐसे। हम बचपन में ऐसे पीते थे ऐसे, जैसे मुंह लगा के। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से शूटिंग करी है। वो देखो गाइस, वो चला गया नीचे, वो आदमी भी दिख रहा है। तो ऐसे ये आ गया आसानी से पकड़ गए हाथों में। मूर्ति कितनी लंबी है और कितना बड़ा है ये। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो गाइस आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, जो कि आपने कल का ब्लॉग देखा होगा मेरा। और आज है हमारा डे 6 इन आर विलेज। और गाइस अभी आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा वेदर हो रहा है। और सही बताऊँ तो अभी समय जनवरी का मौसम है, और जनवरी के मौसम में आप गाइस देख सकते हैं धूप कितनी ही तेज़ धूप आ रही है, और सभी लोग बाहर खड़े हो गए हाफ निक्करों में। बस गाइस रात रात की बात है, उस समय ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, ठंड हो जाती है, लेकिन अभी इस समय हो रखी है गर्मी। तो चलो यार अभी पापा, सॉरी अभी तो मैं ब्रश कर रहा था यहाँ पर, तो आपने बोला कि गाजर का हलवा बना रहा हूँ, तो आजा देखो दिखाता हूँ कैसे बनता है यहाँ पर गाँव में। तो चलो मैं आपको यहाँ से अंदर ले चलता हूँ, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि कैसे बना रहे हैं वो लोग गाजर का हलवा। तो चलो अब यहाँ चलते हैं। और धूप तो मैंने आपको दिखाई दी थी कितना अच्छा रहा है। ये मेरी नानी खड़ी है यहाँ पर, तो आपको ले चलता हूँ यहाँ से अंदर। तो गाइज अब हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बन रहा है, मैंने शायद से गाजर का हलवा बोल दिया था पहले, लेकिन यहाँ बन रहा है आटे का हलवा, है ना, आटे का हलवा। और ये आलू बीन्स की सब्जी गांव के स्टाइल में बन रही है। ये आलू बीन्स की सब्जी बन चुकी है और ये गांव के स्टाइल में बन रहा है। गाँव में ऐसे लकड़ी में बनाते हैं, और इधर मैं हलवा बना रहा हूँ। हलवा मेरा ये लगभग सब भून चुका है, देसी घी में बना रहा हूँ, और गाँव के स्टाइल में आप देख सकते हैं ये बना दिया मैंने। और आप इसे पानी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर बन रहा है आटे का हलवा, और यहाँ पर नाश्ते के लिए बन रही सब्जी, उसके बाद उसको खाया जाएगा मीठे के लिए। अब इसको उतार दिया है, अब इसमें आप रोटी बनेंगे, गांव के स्टाइल में चूल्हे में रोटियाँ बन रही हैं बिल्कुल। और ये जो है आज सुबह का हम नाश्ता ये करेंगे, हलवा भी थोड़ी देर रेडी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हलवा रेडी हो रहा है, और ये यहाँ पर चूल्हे में रोटी बन रही है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि आलू के पराठे कैसे बनाते हैं चूल्हे में गाँव के। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप अनुपूर्ण किचन को सब्सक्राइब करिएगा, और वहाँ पर जाके वो उसको विजिट करिएगा, और ऊपर दिए गए आई बटन में मैं उसको डाल भी दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलो आप देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे जाता है, जो जो होती है एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। देखा आपने कि अपना तो आटे का हलवा वहाँ पर अंदर बन रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ थोड़ा ऊपर पहाड़ी की तरफ इस साइड को, क्योंकि जब भी मुझे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, घर के अंदर तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते एयरटेल के, यहाँ पर जियो के तो चलते हैं ठीक ठाक, वो भी इतने भी अच्छे नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी यूट्यूब के वीडियोस वगैरह अपलोड करनी पड़ती है तो मुझे यहाँ पर पहाड़ी तरफ ऊपर जाना पड़ता है। तो चलो फिर अपनी वही लोकेशन में चलते हैं, और वीडियो एडिटिंग मैंने कर दी है, दो तीन अपलोड पर लगानी है, तो आपको भी देखनी है ना वो। तो चलो ठीक है, करते हैं अपलोड ऊपर से। और हाँ गाइस, जैसे ही बन जाती है अपनी रेसिपी आटे की हलवे की, पहले बार पापा चूल्हे बना रहे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए व्लॉग में। सर अब मैं वापस आ चुका हूँ घर में वहाँ से, और अभी हम अपना कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। देखिए इसमें है कौन सब्जी, अम्मी आलू बीन्स, आलू बीन्स और रोटी, और वहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो चुका है। ऐसी पतला पतला हलवा यहाँ गाँव में खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर्दी में ठंडा के मौसम में ऐसे करते हैं। थोड़ी देर में थोड़ा हल्का सा और गाढ़ा होएगा। तो देखिए गाइस ये आ गया अपना हलवा, क्या चीज ठीक है, थोड़ी देर में और गाढ़ा होगा हल्का। तो अभी ये काफी ज्यादा पतला है, थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा पतला लग रहा है। चलो कोई नहीं, पहले थोड़ा हल्का ठंडा होने देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तब तक अपना ये ब्रेकफास्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अपना ये हलवे का सूप हो चुका है रेडी, और मैंने आधा पी लिया है, ये आधा बचा है, और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। काफी अलग हो रहा है, काफी यूनिक रेसिपी बनाई गई है यहाँ पे, बाकी का आगे बताएंगे। तो क्या है इस सूप की खासियत हलवे की? इस सूप की खासियत हलवे की है कि जब यहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती है तो ऐसे पतला बनाते हैं, तो उसमें मैंने जो है इस कटोरी से एक कटोरी आटा लिया है, और एक कटोरी चीनी भर के लिए है, और आठ कटोरी मैंने इसे पानी लिया, तब ये बन गया सूप। अगर मैं इसका हलवा बनाता तो जैसे एक कटोरी आटा, एक कटोरी चीनी और तीन कटोरी पानी, तीन गुना, तब ये हलवा जैसे हम प्लेन्स में बनाते हैं शहरों में वैसे बनता, लेकिन ये सूप
और इसमें जो आठ आठ कटोरी में पानी डाला जो कि पतला पतला, और आपने सूप बहुत खाया होगा, मटन सूप, चिकन सूप, मशरूम सूप, लेकिन आटे के हलवा का मीठा सूप आपने कभी नहीं खाया होगा, नहीं कभी देखा होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऐसे है ये देखो, आटे का हलवा का सूप ऐसे बनता है ये। और यहाँ के लोग जो है ठंडियों में इसको जो है गर्म गर्म पीते हैं, और गुड़ में कितनी गर्मी होती है आपको तो सबको पता ही है। तो यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का खान पान, यहाँ का ये लोगों का ये चीज़ें हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं जंगल में, और अभी हम जा रहे हैं एक छोटा सा यूट्यूब में वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए, जो कि आपको दूसरे चैनल में मिल जाएगी, अन्नपूर्ण किचन वाले में। तो ये देखिए गाइस, ये है पूरा यहाँ का गांव का जंगल, और जस्ट हम नदी के किनारे पहुँच गए हैं, छोटे छोटे हमने शॉर्ट्स ले लेते। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, बढ़िया क्या मतलब ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि यहाँ के जंगली जानवर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जंगल का हाथी है, यहाँ पर जो जंगली हाथी है वो यहाँ पर आया था, और उसके आप यहाँ पैर निशान देख सकते हैं गाइस, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये कितने बड़े बड़े निशान हैं, ये है यहाँ पे जंगली हाथी के पैर निशान। ये देखो यहाँ पर आपको उंगली के फुटप्रिंट दिख रहे होंगे ऐसे तीन, ये देखो गाइस कितने गहरे गहरे इसने गड्ढे कर रखे हैं यहाँ पे। तो ये है जंगली हाथी, तो भाई उनसे भी यहाँ पर बच के रहना पड़ता है। और मैं यहाँ पर आया था इसकी वीडियो निकालने के लिए, तो चलो फिर अपना आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आपने देखा ना अभी कि यहाँ पर नदी किनारे हम तो वैसे पहुँच गए हैं, और यहाँ पर जो मछुआरे हैं यानी कि जो गांव वाली है वो यहाँ पर आके मछली पकड़ते हैं, और ये है नदी यहाँ पे, देखो गाइस। तो उन्होंने वहाँ पर मछली का जाल फेंक रखा है और उसमें मछली पकड़ने वाले हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर अभी आया था, तो फिर ये उस पहाड़ी मतलब उस साइड के गाँव वाले हैं ये, जो उस नदी किनारे रहते हैं, हम इस नदी की साइड रहते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसे मछली जाला फेंकते हैं और या मछली पकड़ते हैं, और ये नदी देखिए कितनी विशाल नदी है, और बगल में पूरा ये बालू ही बालू है यहाँ पर पूरा चार तरफ। यही है वो लोकेशन, देखिए ये वो लोकेशन जहाँ पर अभी हमने लास्ट अपना वीडियो का एंड किया है। मम्मी पापा खड़े थे सबसे ऊपर टॉप पे, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और पापा खड़े थे वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से शूटिंग करी है, मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनाई है इस नदी किनारे। तो अब मैं आपको यहाँ से क्या दिखाने वाला हूँ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे नदी किनारे है, ठीक है, जैसे हमें पानी पीना है, तो हम ये पानी भी तो पी सकते हैं वैसे, लेकिन क्या है ना कि पानी को फ़िल्टर करके पीएंगे, क्योंकि उसमें मछली वगैरह है बहुत सारी, तो उसका थोड़ा बेकार चीज़ आ जाती होगी। तो इसलिए पानी को फ़िल्टर कैसे करेंगे, वो भी इस बालू के थ्रू, जो ये जो नीचे रहता है, तो वो मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। और देखो मम्मी आ गई नीचे, तो चलो आपको दिखाता हूँ आगे प्रोसेस क्या है पानी को फ़िल्टर करने का। तो देखो दोस्तों, ये हमें मिली है मछली, झींगा मच्छी है, और दिल्ली में और शहरों में बहुत ही महंगा मिलता है। तो हम अभी अनु ने नदी से पकड़ा है और पकड़ रही है, और अभी हम आपको केकड़ा पकड़ के भी दिखाते हैं। तो हम गांव की नदी में आए हैं, और यहाँ देखो शुद्ध वातावरण, शुद्ध पानी है, एकदम साफ है एकदम से, और झींगा मछली है। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ झींगा मछली और केकड़ा है, जो कि यहाँ पकड़ा है पानी में। ये देखो छोटा केकड़ा है, भाग गया ना, तो देख छोटा बच्चा केकड़े का, छोटा देखो, हाँ छोटे, ये है केकड़े का बच्चा और झींगा मछली, और झींगा मछली देखो, बड़ा केकड़ा बीच में मिलेगा, अभी काटता है ना, ये काटता है, लेकिन छोटा बच्चा है ये। अच्छा, तो देखो इस तरीके से हमने पकड़ी है छोटी छोटी मछली, छोड़ रहे हैं, देखो पानी में छोड़ जा रहे हैं वापस इसको, दोबारा आप देख सकते हैं, देखो केकड़ा भाग गया, केकड़ा और झींगा मच्छी पानी में चला गया ये, और केकड़ा वहाँ चला गया, वो देखो वहाँ चला गया, अभी माँ के पास ला गया, ये कमरा मत दिखा, वो देखो गाइस वो चला गया नीचे अपने घर, वो और अभी भी दिख रहा है। तो ऐसे ये पत्थरों के नीचे छुप जाते हैं गाइस, एक और केकड़ा पकड़ा है यहाँ पर, लेकिन इसको भी हमने छोड़ दिया, आजाद कर दिया, ये छोड़ दो ये पत्थरों नीचे चल जाते हैं, बहुत सारे हैं, अभी इनकी माँ को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं ढेर सारे केकड़े, और यहाँ मछलियाँ भी बहुत सारी है छोटी छोटी, हाँ को एक और पकड़ में आ रहा है, वो देखो बड़ा झींगा, ये थोड़ा बड़ा है, आ गया आसानी से पकड़ में हाथों में, इधर दिखाओ इसकी मूछी कितनी लंबी है और कितना बड़ा है ये, और बड़े होते हैं ऐसे, अभी तो नदी किनारे है, बीच में बहुत बड़े झींगा है, आप देख सकते हैं झींगा मच्छी। तो ये तो नदी किनारे ऐसा ढूंढा है हम लोगों ने, और बीच में भी बहुत सारे होंगे हम बड़े, ये साइड में है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ साइड में है ये, नहीं ना
ठंड से कट जाएंगे तो नहीं भागेगा मरा पकड़ा भी नहीं आएगा ये पता नहीं कैसे पकड़ में आएगा मरेगा मरेगा नाटक कर रहा है हाँ बहुत ऐसे ही इतना बहुत मिलता है ये तो साइड में तो गाइस देखिए ये है वो जमीन यहाँ पर तो यहाँ पर हम पानी को फिल्टर करेंगे ये है पूरी नदी लेकिन इसको पानी पी नहीं सकते तो यहाँ पर फिल्टर हम कैसे करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे तो गाइस देखिए अपना तो ये बन चुका है यहाँ पर पानी को फिल्टर कर दिया गया अब इसमें से निकालेंगे पानी निकालना ले चुकी है देखिए कितना ही साफ पानी आ रखा है आप देख सकते हो पत्ते पत्ते का टेस्ट आ रहा है मुझे कुछ ज़्यादा इसमें पानी में कोई समय नहीं कुछ नहीं एकदम से ये देखिए गाइस अरे गायब हो गया ऐसे ला साफ सुथ कोई समय नहीं कोई मुंह बड़ा बिल्कुल सही हो रहा है बढ़िया है ऐसे ही पी सकते ना मुंह लगा के डायरेक्ट हाँ 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 नीचे ऐसा भी ये घुटने लगा के हम तो ऐसा कभी पत्ता कभी नहीं लाते तू पी ना कर हम तो बचपन में ऐसे पी ना ये मेरा कपड़ा भी मैं भी कर देखूंगा हाथों से मैं भी होऊंगा हाथों से नहीं अरे घुटने से करना घुटने ऊपर करके हाथों के जोर में देखो मैं भी दिखाता हूं आज देखो भी मिलना बढ़िया हो रहा है वाह बिल्कुल साफ कोई बजरी नहीं कुछ नहीं एकदम आपने देखा होगा शहरों में जो फिल्टर लगे होते हैं ना उनके अंदर भी ऐसे रहता होता है फिल्टर के अंदर ऐसे पी के मजा आ रहा है जैसे नीचे जाके पी रहे ना अभी कमल दोबारा पिएगा पी के दिखाओ कमल बहुत ही मजा आता है ऐसे हम बचपन में ऐसे ही पीते थे ऐसे देखो मुंह लगा के बिल्कुल पानी के अंदर साफ आप देख सकते हैं बिल्कुल और अनु भी ऐसी पीती थी हाथ के बल पीने हाथ के बल हाथ हाँ अनु भी पिएगी आप तो कमल पकड़ी उसको अब मैं पीऊंगा देख चल को मैं ऐसे बता रहा हूँ ऐसी पी निकली देख ऐसे हाथ ऐसे